नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हेलो किसान। हेलो किसान के खरीफ नामा सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसमें आपको हर रोज मिलती है खरीफ सीजन से जुड़ी टिप्स की जानकारी। आप जानिए बीजों का चयन करते समय किन बातों का रखें ध्यान। स्वस्थ बीजों के सहारे ही किसान बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, इसलिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और बेहतर खाद का चयन करने की सलाह देते हैं। ये जरूरी है कि किसान बीज की थैली में एक ही किस्म के बीजों को रखे, दूसरी फसल के बीज और घास चारा उसमें ना मिलाएं। ये भी देखें कि बीज कच्चे ना हो, टूटे ना हो। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन एपीडा मेरठ के साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर प्रमोद तोमर ने कहा कि सभी कैटेगरी के बीजों के लिए अलग अलग टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीजों की कैटेगरी की पहचान कर सकते हैं, जैसे प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग और प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पंजीकृत बीज के लिए बैगनी टैग का इस्तेमाल होता है। हमेशा विश्वसनीय और रजिस्टर्ड दुकान से ही बीज खरीदना चाहिए। अब जानते हैं कि घरेलू तरीके से कैसे करें बीज की जांच और उनका अंकुरण परीक्षण। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद तोमर ने बताया कि बीजों को बोने के पहले एक बर्तन ले और उसमें पानी भर दे। इसके बाद बीजों को पानी में डाल दे और ध्यान से देखें कि बीज पानी में डूबते हैं या पानी पर तैरते हैं। 10-15 मिनट वेट करें। जो बीज अंदर से खोखले होते हैं वो हल्के होते हैं और पानी पर तैरने लगते हैं। ऐसे बीजों के अंकुरण की संभावना बहुत कम होती है। अगर बीज अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तो वो भारी होते हैं। इन बीजों के अंकुरित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर घरेलू बीज बो रहे हैं तो अंकुरण परीक्षण कर लेना चाहिए। बीज अंकुरण फीसदी 80 से 90 तक होना चाहिए। अंकुरण परीक्षण के लिए कम से कम 400 बीजों का परीक्षण करना चाहिए। इसके लिए 3-4 पेपर एक के ऊपर एक रख कर सतह बनाएं और उन्हें पानी से भिगोएं। फिर 100-100 बीज गिन कर लाइन में रखें और पेपर को मोड़ कर रख दें। पेपर पर समय समय पर पानी डालकर नमी बनाए रखें। 3-4 दिन बाद अंकुरित बीजों को गिन लें। अगर बीज अंकुरण फीसदी 80 से 90 तक है तभी बोना चाहिए। सीड बॉक्स विधि से भी अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। इस विधि में लकड़ी के बॉक्स में रेत बिछाकर उस पर दानों को लाइन में रखें और फिर भुरभुरी मिट्टी को 1.5 सेंटीमीटर की तह लगा दें। रेत को नम बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी डालते रहें। लगभग 4-5 दिनों में अंकुर मिट्टी की सतह पर आ जाते हैं। बीज अंकुरण क्षमता कम से कम 80 से 90 फीसदी होनी चाहिए। तो इन तरीकों से आप स्वस्थ बीजों की पहचान कर सकते हैं। खरीफ नामा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए किसान तक पॉडकास्ट।